एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझसे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पूछा है, लेकिन मुझे इसका जवाब देने का मौका नहीं मिला कि क्या जिन्नात को भी जन्नत में हूरें मिलेंगी जैसा कि इंसानों को मिलेंगी। तो इस ज़मन में अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं रूहुल मानी में कि मुझको जो जन्न गालिब है वो ये है कि इंसानों को इंसान बीवियाँ मिलेंगी और हूरें भी मिलेंगी, और जिन्नात को जिन्नियात बीवियाँ मिलेंगी और फिर हूरें भी मिलेंगी जो उन्हीं की मिसल होंगी, जो उन्हीं के लिए बनाई गई होंगी, तो वो इंसानों की हूरों से मुख्तलिफ़ होंगी। जिस तरह इंसानों की बीवियों से मुख्तलिफ उन्हें जिन्नी बीवियाँ दी जाएंगी। तो और किसी भी इंसान को कोई जिन्निया नहीं मिलेगी, इंसान की जितनी अजवाज होंगी वो इंसान ही की किस्म में से होंगी और जिनों की जितनी अजवाज होंगी वो जिनों की किस्म में से होंगी, और ना किसी जिन को इंसिया मिलेगी, तो किसी जिन को भी कोई इंसान नहीं मिलेगा। अच्छा, और मोमिन ख्वा इंसान हो ख्वा जिन हो, इसको वही मिलेगी जो इसकी नौ के लायक होगी, इसकी किस्म के लायक होगी, और इसका नफ्स उसकी ख्वाहिश करेगा। तो रूहुल मानी सूरतुर रहमान आया नंबर 56 जिल्द नंबर 27 पेज 169 पर ये तफसीलात आती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।